हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक के एकदम ताजा अपडेट को लेके। और ये अपडेट आया है फेसबुक म्यूजिक यूसेज को लेके। बहुत सारे क्रिएटर लोगों को कॉपीराइट मिल रहा था फेसबुक म्यूजिक पॉलिसी के तरफ से, म्यूजिक वीडियो पे यूज करने के वजह से। तो इसके ऊपर फेसबुक ने एकदम ताजा अपडेट डाला है क्रिएटर लोगों के लिए। आप गेमिंग क्रिएटर ही हो, आप वीडियो क्रिएटर ही हो, आप एक प्रोफाइल यूजर ही हो, सारे लोगों के लिए एक साथ अपडेट लेके आया है फेसबुक। और यहाँ पे क्रिएटर लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और क्लियरिटी भी मिलेगा। तो आज दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, सारे अपडेट को आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो फेसबुक के हवाले से बोला गया है वो है, देयर आर नो लिमिट ऑन थिंग्स लाइक म्यूजिक इन स्टोरी। इसका मतलब है आप लोग आपके फेसबुक पेज पे या फिर फेसबुक प्रोफाइल पे जो स्टोरी सेक्शन है उस पे अगर किसी भी तरीके का म्यूजिक यूज करते हो, इस पे कोई भी आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। ये फेसबुक का साफ साफ कहना है। तो ये तो दरअसल एक छोटा मोटा एडवांटेज ही हो गया है क्रिएटर लोगों के लिए कि क्रिएटर लोग अभी फेसबुक पेज के स्टोरी पे जो आप लोग वीडियो क्लिप्स डालते हो तो वहाँ पे आप लोग कोई भी म्यूजिक यूज कर सकते हो। मगर यहाँ पे जो मतलब इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि जो स्टोरी पे हम लोग वीडियो क्लिप्स डालते हैं वो 24 आवर के साथ साथ डिसअपीयर भी हो जाता है, तो और छोटा भी बहुत होता है। तो मगर क्या करें, अब अपडेट यही है। और उसके साथ जो फेसबुक ने और एक बढ़िया बात बोला कि जो कि बहुत सारे क्रिएटर को शायद खुश करेगा, वो है म्यूजिक जो है वो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अगर होगा, मान लो आपके एरिया पे कोई भी लाइव बैंड आके परफॉर्म कर रहा है और आपने उसका एक लाइव वीडियो बनाया है, लाइव वीडियो आप शूट कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो म्यूजिक बैंड का या फिर कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसका लाइव अगर आप करोगे आपके पेज पे या आपके प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। वीडियो को लिमिट या म्यूट नहीं करेगा फेसबुक, ये फेसबुक का साफ साफ कहना है, जो कि एक बहुत ही राहत वाला बात है। तो यहाँ पे ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। मगर यहाँ पे फेसबुक ने इसके साथ और एक बात ऐड कर दिया है, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और डीजे लोग जो है वो अपने घर से ट्रैक को प्ले कर रहा है फेसबुक पेजों पर, उस पे लिमिटेशन आएगा, उस पे रेस्ट्रिक्शन आएगा, उस पे कॉपीराइट आएगा। वैसा नहीं है, परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा है, कोई आर्टिस्ट अगर यहाँ पे ये भी बोला है कोई बैंड का परफॉर्म है तो लाइव आप कर सकते हो, या फिर कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस चल रहा है तो उसका लाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी म्यूजिक का होगा, ऐसा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और उसी के साथ जैसे डीजे लोग अभी घर से ट्रैक प्ले करते हैं पेजों पे, तो वो बहुत सारे रिमूव भी कर दिया है फेसबुक ने, वो ग्लोबल लेवल पे फेसबुक ने डिलीट मारा है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आप ऑडियो चला दिए और चलते रहे और उस पर कोई इशू नहीं आएगा, उस पर ज़रूर इशू आएगा, वो रिमूव कर देगा फेसबुक, ये फेसबुक का कहना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है, द ग्रेटर नंबर ऑफ लेंथ रिकॉर्ड ट्रैक इन ए वीडियो इट मे लिमिटेड। इसका मतलब है अगर आपके वीडियो पे ऑडियो ट्रैक जो आप यूज़ कर रहे हो उसका लेंथ बड़ा है, मान लो आपका 4 मिनट का वीडियो है, आपने 3 मिनट तक ट्रैक यूज़ कर दिया कोई भी ट्रैक, तो उस वीडियो पे ज़रूर लिमिटेशन आएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जो लोग स्ट्रीम करते हो जैसे कि गेमर लोग, वो लोग क्या करते हैं गेम का स्ट्रीमिंग करते हैं और बैकग्राउंड पे म्यूजिक ट्रैक लगा के रखते हैं, और वो तो 3 मिनट 4 मिनट का भी नहीं, उससे भी ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा वक्त तक म्यूजिक लगा रहता है, तो उन वीडियो पे इंटरप्ट कर देगा फेसबुक, उन वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटा देगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, म्यूट कर देगा।
तो यहाँ पे म्यूट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। और आपको पता है मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से पॉलिसी वायोलेशन भी आएगा उन सारे वीडियो पे। तो लेंथी ट्रैक जो है म्यूजिक का, जो हम लोग मतलब नॉर्मल केस पे यूज करना चाहते हैं, उस पे पाबंदी है, वो आप नहीं यूज कर सकते हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। अगर करोगे तो आपके वीडियो पे इशू आएगा, जो मैंने बोला। अब थर्ड जो एक अच्छा बात है वो है शॉर्टर क्लिप्स ऑफ म्यूजिक। आप लोग शॉर्टर क्लिप्स ऑफ म्यूजिक को फेसबुक रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे कि 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, वैसा म्यूजिक आप बीच बीच पे आपके वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हो। उस पर कोई पाबंदी नहीं, आप कोई भी म्यूजिक लेके वो शॉर्ट वाला क्लिप्स मतलब 10 सेकेंड 5 सेकेंड म्यूजिक आप आपके वीडियो को एडिट करने पे यूज कर सकते हो। ये चार फेसबुक ने दे दिया है, जो कि एक अच्छा बात है। अब फोर्थ पॉइंट बोला है, देयर शुड ऑलवेज बी ए विजुअल कॉम्पोनेंट टू योर वीडियो। मतलब आप भले वो 10 सेकेंड 5 सेकेंड या 30 सेकेंड का क्लिप्स यूज़ करो, म्यूज़िक या ट्रैक यूज़ करो, मगर उस पे जो आपका कंटेंट है, जो आप दे रहे हो अपने ऑडियंस को, वहाँ पे वीडियो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए सिर्फ म्यूज़िक ही रन हो रहा है, देखने में विजुअली उसको वीडियो के जैसा लगना है, वो भी ओरिजिनल वीडियो। आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। और उसी के साथ बोला है, रिकॉर्डेड ऑडियो शुड नॉट बी द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वीडियो। तो ये यूट्यूब का भी रूल्स है, आपका जो वीडियो आप बनाओगे उस पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड का कोई भी म्यूजिक यूज कर सकते हो वीडियो के इन बिटवीन, मगर वहाँ पे जो प्राइमरी वीडियो का मोटो होगा वो वीडियो कंटेंट होना चाहिए, विजुअली लोगों को कुछ देखना चाहिए जो कि ओरिजिनल हो। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में म्यूजिक ट्रैक चल रहा है और सामने कुछ नहीं, एक इमेज डाल के रख के बैठे हो, ऐसा होगा तो नहीं होगा, तो शॉर्ट क्लिप भी यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन है, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। और उसी के साथ दोस्तों, ये जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक प्लेटफॉर्म का नहीं, इंस्टाग्राम का भी सेम रूल्स है। तो अगर कोई इंस्टाग्रामर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए भी सेम रूल्स उपलब्ध है। और ये रूल्स जो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पेज पे नहीं, प्रोफाइल पे भी सेम रूल्स है। वेरीफाइड हो, अनवेरीफाइड पेज हो, उस पे भी सेम रूल्स है। फेसबुक प्रोफाइल पे जो हम लोग एज ए नॉर्मल यूज़र यूज़ करते हैं, उस पे भी सेम रूल्स है। और उसी के साथ फेसबुक ने अपना बेस्ट प्रैक्टिस भी बता दिया है म्यूजिक ट्रैक को यूज़ करने का, वो है यूज़ फेसबुक ऑडियो लाइब्रेरी विथ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। तो फेसबुक का बेस्ट प्रैक्टिस फेसबुक ने यही कहा है कि आप लोग हमारे जो म्यूजिक लाइब्रेरी है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिलता है, वहाँ से आप लोग फ्री म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को यूज़ करो, ताकि आपके वीडियो पे कोई भी इशू ना आए। तो दोस्तों, घुमा फिरा के बोलूँ तो बेस्ट वही होगा कि आप लोग आपके वीडियो पे फेसबुक का जो ऑडियो लाइब्रेरी है, जहाँ पे फ्री कॉपीराइटेड म्यूजिक मिलता है, उसको यूज़ करो। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सर, फेसबुक म्यूजिक लाइब्रेरी पे बहुत बड़े बड़े म्यूजिक ट्रैक नहीं है, छप छोटे छोटे है, छोटे छोटे है तो एक ही म्यूजिक को रिपीटेडली यूज कर सकते हो। जैसे पहले खत्म हो गया 2 मिनट, फिर उसी म्यूजिक को 2 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे करके यूज कर सकते हो, नहीं तो मिक्स कर सकते हो सारे छोटे छोटे क्लिप्स को लेके, मतलब म्यूजिक ऑडियो को लेके ट्रैक को आप ऐड करते जा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो, मगर ये डिपेंड करेगा आप कैसा एडिटिंग करते हो उसके ऊपर। और जिन लोगों को शायद हो सकता है कि एडिशनल म्यूजिक की जरूरत है, वो लोग भी क्लिप्स 10 सेकेंड 5 सेकेंड 20 सेकेंड का यूज कर सकते हो छोटा छोटा, मगर वहां पे प्राइमरी फोकस आपके वीडियो विजुअल कंटेंट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि म्यूजिक ट्रैक का ही प्राइमरी प्रेफरेंस हो जाए, अगर वो होगा तो भी आपका कॉपीराइट आ सकता है, आपके वीडियो को फेसबुक रिमूव भी कर सकता है। और उसी के साथ दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा वो है, अगर आप लाइव वीडियो बनाते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो फेसबुक को अगर लगता है, मतलब फेसबुक के एल्गोरिदम को अगर लगता है कि आपका जो वीडियो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए सही नहीं है, तो आपको इमीडिएटली फेसबुक के तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप इस ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, इसको फेसबुक लिमिट कर देगा। तो उस केस पे तुरंत आप उस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देना, डिलीट कर देना, नहीं तो आपके पेज पे इशू आ सकता है, आपके प्रोफाइल पे इशू आ सकता है, आपका पेज डिलीट हो सकता है, आपका प्रोफाइल डिलीट हो
सकता है, उस पर पॉलिसी वायोलेशन आ सकता है। तो बेहतर होगा इन सारे चीजों को मान के ही प्लेटफॉर्म पे काम करो। तो आज के इस वीडियो पे मुझे यही अपडेट आप लोगों को देना था। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव रहा है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस वीडियो का वैल्यू मुझे पता है कितना है आप लोगों के पास, तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक, और अगर नए नए कोई आए हो चैनल पे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के जाना, ताकि आने वाले समय पे ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।